एसटी हटाए गए तो बड़ी खबर इस वक्त की, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री जितेंद्र प्रसाद ओएसडी के ओएसडी हटाए गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के बाद हटाया गया। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा था, सुर्खियों में रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तमाम धांधलियां सामने आ रही थी, उसमें अनिल कुमार पांडे का नाम सामने आ रहा था और धांधली के बाद आखिरकार उन पर गाज गिरी है, ओएसडी को हटाया गया है, क्योंकि शासन स्तर पर बड़ी लापरवाहियां इस मामले में सामने आ रही है और अब अनिल पांडे की विजिलेंस जांच होगी। तो अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद जो तमाम मामला सामने आया था धांधली को लेकर, तो सीएम के संज्ञान में ये पूरा मामला था और जब जांच रिपोर्ट उनके पास पहुंची तो धांधली को लेकर ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के बाद हटाए गए हैं, जांच के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों के नाम सामने आए थे ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी ऐसा माना जा रहा है कि और लोगों के ऊपर भी ये गाज गिर सकती है और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि धांधली के बाद हटा दिया गया है जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को। तो ये मामला आपको बता दें कि काफी सुर्खियों में रहा। तो आपको बता दें कि ओएसडी के पद से हटाकर उनको दिल्ली की प्रतिनियुक्ति पर एक बार फिर से वापस भेज दिया गया है और वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। वीरेंद्र जी, ये तो होना ही था और अब जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया मुख्यमंत्री के, तो गाज गिरनी थी, ओएसडी को हटा दिया गया है, क्या लगता है और भी कार्रवाई इस मामले में होगी कुछ और लोगों के खिलाफ? देखिए, ये अनिल कुमार पांडे जो है, ये उपभोक्ता मामलों के जो विभाग है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग केंद्र सरकार का, उसमें अवर सचिव के पद पर ये तैनात थे और इनको उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री का वो एसडी बनाया गया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी में जो तबादले हुए शासन के लेवल पर, उसमें प्रमुख सचिव से लेकर मंत्री के कार्यालय तक ये अनिल कुमार पांडे का नाम चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री ने इनको हटा दिया है और इनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी आदेश कर दिए गए हैं। अनिल पांडे ने उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के तबादलों में करोड़ों रुपए की उगाही करने का उनके ऊपर आरोप लगा है और ये जो जांच कमेटी एपीसी की अध्यक्षता में बनी थी उसमें इस बात का भी पुष्टि हुई है। तो अभी इसमें बहुत सारी और कार्रवाइयां होगी, पीडब्ल्यूडी के ईएनसी से लेके और कई अफसरों पर गाज गिरेगी, ये देखते जाइए आप। कल तक उत्तर प्रदेश में तबादलों में जो भ्रष्टाचार किया गया है, अब उसकी जद में कई सारे अधिकारी आने वाले हैं और एक बड़ा सरकार निर्णय करने की तैयारी में है। बिल्कुल वीरेन जी, छोटी मछलियों पर तो आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना है कि कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े लोगों पर शिकंजा कम ही कस पाता है। बिल्कुल सही है कि ये सब लोग बीच की कड़ियां होते हैं और तबादलों में या कोई भी भ्रष्टाचार जब सरकारी स्तर पर होता है तो उसमें बड़े लोग शामिल होते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार प्रमुख सचिव से लेके स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ के तबादले देखे चर्चा में हैं, जो लोगों का रिटायरमेंट करीब था, जिनके ऊपर जांच थी, जो लोग अपात्र थे उन सबको सीएमओ बनाया गया। अमित मोहन प्रसाद 5 साल से इस विभाग में है, उन पर कार्रवाई का इंतजार है लोगों को। पीडब्ल्यूडी में नरेंद्र भूषण से लेके पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद तक तमाम सारे अधिकारी तबादलों में, क्लास 1 का जो तबादला होता बिना मंत्री की सहमति के नहीं हो सकता है और प्रमुख सचिव के बिना मिले, तो अनिल पांडे तो एक कड़ी है, उन पर आज कार्रवाई करके उनको केंद्र को वापस कर दिया गया है। अभी यह देखना है कि इन दोनों विभागों में कई सारे लोगों पर जिन पर करोड़ों की उगाही के आरोप है उन पर क्या कार्रवाई होती है। जी, यानी कि कुछ खबरें वीरेन जी अभी आ सकती हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से वीरेन जी सरकार की छवि बहुत खराब होती है, धूमिल होती है। सरकार की छवि पर 3 महीने में जितना बड़ा डेंट लगा है इस तबादला उद्योग के नाते,
उसी की वजह से मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी के तबादलों की जांच के आदेश किए। बहुत हाई लेवल की कमेटी बनाई और जांच रिपोर्ट मिल चुकी है मुख्यमंत्री को। चीफ सेक्रेटरी की एक अध्यक्षता में कमेटी थी, एक एपीसी की, वो जांच दोनों मिल चुकी है और उस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होनी है। ये एक शुरुआत हो गई है अनिल कुमार पांडे के रूप में। अभी आप देखती जाइए, इसमें FIR भी होगी, लोग जेल भी जाएंगे। ठीक है, और ये एक तो शुरुआत करी। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और बड़ी खबर दिल्ली से आप